yesterday I had taken simple interest. Today I am starting compound interest. तो देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कॉलम सिंपल इंटरेस्ट का है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। इसमें तीन कॉलम मैंने लिए हैं, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अमाउंट। तो एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी पैसे का लेन देन हुआ है उसी अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उसमें साल का जो इंटरेस्ट होता है अगले साल वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो अगले साल जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो उस अमाउंट पे होगा, प्रिंसिपल पे नहीं होगा। यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट उसका जो टोटल आता है यानी अमाउंट उस पे कैलकुलेट होगा। तो वही यहाँ पे इस टेबल में मैंने शो किया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। देखिए फर्स्ट केस में मैंने लिया है 1000 अगर प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट हम 10% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट होगा वो 1100 होगा, यानी 100 रुपीस इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट ईयर भी इसमें प्रिंसिपल जो है 1000 ही रहेगा और इस पे फिर 10% कैलकुलेट होगा, यानी अगले साल भी इंटरेस्ट 100 होगा और अमाउंट 1200, यानी इसमें ये ऐड हो गया। लास्ट ईयर का अमाउंट 1100 था, इसमें 100 रुपीज और ऐड कर दिया तो अब टोटल अमाउंट 1200 हो गया। फिर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट अभी भी 1000 यानी प्रिंसिपल पे ही। So 10% of 1000 is equal to 100 rupees. तो अभी 100 भी इसमें ऐड हो जाएगा and the final amount will be 1300. अब यही केस अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंगे तब क्या होगा वो देखिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल 1000 था, 10% इंटरेस्ट 100 हो गया, ये इसमें ऐड कर देंगे, अमाउंट 1100 हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में अब प्रिंसिपल 1100 हो जाएगा, यानी जो अमाउंट था अब यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वही प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इस पे अब 10% कैलकुलेट होगा, सो द इंटरेस्ट विल बी 110 रुपीज। तो यहां पे सेकंड ईयर में 100 था, यहां 110 हो गया और यहां पे अमाउंट 1210 हो गया। अब नेक्स्ट ईयर फिर बिगनिंग में अब प्रिंसिपल ये हो जाएगा, जो अमाउंट था वही यहां आ जाएगा, अब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो इंटरेस्ट इज 121, यहां पे कितना था, यहां पे हर साल सेम इंटरेस्ट था, अगर प्रिंसिपल इनिशियली एक था तो यहां पे इंटरेस्ट भी एक ही, वहां पे वेरी कर रहा है, हर साल इंटरेस्ट अगले साल का बढ़ता जा रहा है, पहले 100 था फिर 110 हो गया, 121 हो गया। तो अब इनका फाइनल 3 साल के बाद जो अमाउंट है, देखिए यहाँ 1300 है, यहाँ 1331, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो ये डिफरेंस और बढ़ जाता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे दोनों का डिफरेंस भी बढ़ता जाता है। वही दिखाने के लिए यहां पे मैंने 20% इंटरेस्ट ले लिया, तो 1000 का 20% इंटरेस्ट हो जाएगा 200, फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1200, सेकेंड ईयर फिर वही 1000 लेंगे, इस पे ही फिर कैलकुलेट वही 200 होगा और इसमें ऐड होके 1400 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर 20% लेंगे और इसी 1000 पे, यानी अब फिर इंटरेस्ट 200 होगा, अमाउंट थर्ड ईयर के बाद 1600 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर तो यहां भी 1000 ही होगा, 20% 200 ही होगा, यानी 1200 फर्स्ट ईयर के बाद दोनों में सेम रहेगा, लेकिन
नेक्स्ट ईयर के लिए ये यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा, इसलिए 20% जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा, दिस विल बी 240 इंस्टीड ऑफ 200. सो द नेक्स्ट ईयर्स अमाउंट इज 1440, यहाँ था 1400, तो अब यहाँ 40 रुपीज का डिफरेंस आ गया. नेक्स्ट ईयर अब प्रिंसिपल ये हो जाएगा 1440, इसका 20% कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 288. इसलिए टोटल आफ्टर 3 इयर्स द अमाउंट इज 1728 और यहाँ क्या था 1600. देखिए रेट बढ़ने से कितना फर्क हो गया, 128 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे सिर्फ 31 रुपीज का था. तो जैसे जैसे रेट बढ़ेगा ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा. तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है तो वहाँ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले बढ़ जाता है. तो ये दोनों में डिफरेंस है. अब आगे मैं इसके फार्मूले कैलकुलेट करूँगा. जनरल फार्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट, यानी वो अमाउंट जिस पे प्रिंसिपल पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग गया है, दैट इज कंपाउंड अमाउंट, और दिस विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम. तो ये फार्मूला है कंपाउंड अमाउंट कैलकुलेट. और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो पी इसमें से माइनस हो जाएगा. ये अमाउंट का फार्मूला था और इसमें से पी माइनस कर दिया तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आ जाएगा. और इसमें से पूरे में से अगर पी कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम माइनस 1. पी इज इक्वल टू, अब अगर पी कैलकुलेट करना है ये हमें गिवन है तो इस पूरे को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सी आई अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम माइनस 1. और अगर सीधा इस फार्मूले को ले लिया जाए तो यहाँ पे प्रिंसिपल इधर रखा रह देंगे, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, इन दैट केस पी विल बी इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर टाइम. तो इसमें भी देखिए सिंपल इंटरेस्ट की तरह जो वेरिएबल हैं वो टोटल 4, अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम. तो यहाँ पे जैसे वहां पे अगर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ये टर्म्स अगर आप यूज करेंगे तो उसी तरह से टाइम में यहाँ भी फर्क आएगा. जैसे इंटरेस्ट अगर ईयरली कैलकुलेट होता है तो टाइम जो है वो भी इयर्स में लिया जाएगा और रेट जो पर एनम दिया है वही रहेगा. और अगर रेट हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है हर 6 मंथ के बाद अगर हो रहा है तो पर एनम रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे और यहां टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. चूंकि एक साल में फिर 2 बार कैलकुलेट होगा तो टाइम जो है वो 2 बार दिया जाएगा यानी उसकी जगह 2 दिया जाएगा. और अगर ये क्वार्टरली होगा रेट यानी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है हर 3rd मंथ के बाद अगर हो रहा है तो रेट अपॉन 4 हो जाएगा, जो पर एनम चार्जेस हैं उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखिए आप लोग अगर चाहते हैं ये इंफॉर्मेशंस, ये डेरिवेशंस, ये फार्मूले आपके सामने इसी तरह हर चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स के आते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे आपको आगे जो कुछ भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और आप आगे भी फायदा उठा सकते. देखिए यूट्यूब पे एक ही फायदा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलती है, कोई भी वीडियो उठा के आप देख लीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है. सो इट इज़ वेरी यूजफुल. यूट्यूब
जो सिस्टम निकाला गया है आम लोगों के लिए दैट इज वेरी बेनिफिशियल। तो आप लोग जो भी चैनल पसंद आए, चाहे वो मेरा है या किसी और का है, अगर आपको पसंद आता है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है, आपको आगे भी उस चैनल की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और बेल बटन अगर आप दबा देंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है वो जरूर पहुंचेगा, जो भी नया टॉपिक कोई डालता है वो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अब हम देखिए इसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मच सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 12% कंपाउंडेड एनुअली विल ग्रो टू ₹4,390 एंड पैसा 40। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है। तो देखिए यहाँ पे पूछा ये गया है कि हाउ मच सम इन्वेस्टेड, पैसा कितना खर्च किया गया है, काय के लिए खर्च किया गया है, 2 साल के लिए और किस रेट पे 12%। यानी वो कौन सा पैसा है जिसको 2 साल के लिए 12% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे ईयरली कैलकुलेट करके खर्च किया जाए तो अमाउंट इतना हो जाएगा 4,390.40 ये अमाउंट है। तो 2 साल बाद कौन सा पैसा ऐसा होगा जो 2 साल के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पे 12% के रेट पे इतना हो जाएगा। तो यहां पे जो जो चीजें दी हुई हैं इस फार्मूले में वो हम उसकी जगह रख देंगे। सबसे पहले देखिए जरूरी नहीं है कि आप फार्मूले को अलग अलग फॉर्म में याद रखें, हर फार्मूले में किसी भी आप मेथड में चले जाएं, किसी भी टॉपिक में चले जाएं, मेन एक फार्मूला होता है, उससे ही कन्वर्ट करके दूसरे फार्मूले बन जाते हैं। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं इतने फार्मूले कैसे याद रखूं। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ने इसके लिए अमाउंट के लिए ये फार्मूला बताया था, प्रिंसिपल के लिए ये बताया था, रेट के लिए ये बताया था, टाइम के लिए बताया था। तो बजाय 4 फार्मूले याद करने के आप 1 फार्मूला भी याद कर सकते। तो ज्यादा फार्मूले से अगर आपको डर लगता है, आप 1 फार्मूला याद रखिए और कन्वर्जन आप खुद सीख लीजिए कि एक फार्मूले से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने करके दिखाया था इनिशियली, जब मैंने फार्मूले आपको लिख के दिखाए थे, इसीलिए मैंने बेसिक फार्मूले से लेके चला, मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल का फार्मूला नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट अमाउंट वाला लिखा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन फार्मूला है। जनरली जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये फार्मूला दिमाग में आता है, हर बुक में सबसे पहले ये फार्मूला दिया होता है, खाली इसको दिमाग में याद रख लीजिए, इसी से कन्वर्ट करके बाकी सब बन जाते हैं। तो यहाँ पे अमाउंट की जगह देखिए मैंने ये रख दिया, रेट की जगह 12 रख दिया, टाइम की जगह 2 रख दिया। इसके बाद 1 + 12/100 जो है इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया, तो 100 बंदा 100 + 12 100 12/100 स्क्वायर की जगह मैंने इस चीज को 2 बार लिख दिया, यानी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज स्क्वायर मींस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम अमाउंट विद द सेम अमाउंट। उसी चीज का उस चीज में गुणा करने को वर्क कहते हैं, तो उसी संख्या का उसी संख्या में यहाँ गुणा हो गया। अब नीचे ये जो 100 था और ये 100 था, ये इधर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब हम इज इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड में वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं, अगर इधर कोई चीज डिवीजन में है इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में होगी, इधर जो चीज मल्टीप्लीकेशन में है दूसरी साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन रूल है, कुछ इज इक्वल टू के एक साइड से दूसरी साइड ले जाने में क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, प्लस को माइनस में कर देते हैं, माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई। तो हमेशा याद रखिए ये रूल हर जगह इसी तरह से एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों नीचे जो 100 थे ये ऊपर चले गए,
और 112 जो ऊपर थे वो नीचे आ गए। अब जो भी टेबल आपको याद है उतने से आप डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 14 से इसको डिवाइड किया, 14 एट द 112, 14 से इसको डिवाइड किया तो 313.60 आ गया। इसके बाद इसको भी मैंने 14 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 8 आ गया। इसको फिर 14 से डिवाइड करेंगे तो 22.40 आएगा। अब यहाँ काटा पीटी ज़्यादा हो जाती है इसलिए अगले स्टेप में मैं ले गया। तो अब 100 × 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.4 प्लेस राइट हैंड साइड चला जाएगा। तो यहाँ 22 के बाद था तो यहाँ से उठ के ये सीधा यहाँ आ गया, तो यानी 224 के बाद 3 जीरोस और आ जाएंगे। अब इसको 8 से हमने डिवाइड किया, 8 × 16, 8 × 64, तो 28,000 आ गया। अब इस 28,000 को फिर 8 से डिवाइड कर दिया तो 3,500। Therefore, P is equal to rupees 3,500. That means 3,500 वो value है या वो amount है जिस पे 12% के rate से 2 साल के लिए अगर हम compound interest calculate करेंगे तो amount इतना हो जाएगा। I hope you understand that. Next question लेते हैं। Question second, what sum of money at compound interest will amount to rupees 4,499.04 in 3 years if the rate of interest is 3% for the first year, 4% for the second year and 5% for the third year? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा change है। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो सब सालों में एक ही था, जो एक बार लग गया वही दूसरे साल में, वही तीसरे साल में। यहाँ डिफरेंट केस है, यहाँ फर्स्ट ईयर में अलग रेट है, सेकंड ईयर में अलग रेट है, थर्ड ईयर में अलग रेट है। तो यहाँ पे जो हम उस फार्मूले को यूज करेंगे, तो जैसे वहाँ पे अगर सेम रेट था 3 साल में तो हम क्यूब लगा देते थे टाइम की जगह, यहाँ हर बार इसको अलग अलग लेंगे। तो फर्स्ट ईयर में अगर कुछ और है, सेकंड ईयर में कुछ और है, थर्ड ईयर में कुछ और है, तो इसको इस तरह से लेंगे a is equal to p into 1 plus r1 upon 100। r1 यानी कि पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड केस में 1 plus r2 upon 100 यानी सेकंड रेट को हम r2 ले लिया हमने, थर्ड में 1 plus r3 upon 100। तो थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अगर डिफरेंट है तो उसको r3 ले लिया। अब इसमें वैल्यू रख दी जैसे आप रख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे भी अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल पूछा गया है, और यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा प्रिंसिपल 3 साल के अंदर, अगर पहले साल में इंटरेस्ट रेट 3% है, सेकेंड ईयर में 4%, थर्ड ईयर में 5% है, तो वो इतना हो जाएगा। अमाउंट की जगह हमने ये रख दिया 4,499.04। फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 था वो यहाँ रख दिया, सेकेंड 4 था यहाँ पे 4 रख दिया, थर्ड 5 था यहाँ पे 5 रख दिया, और इसको सिंपलीफाई कर देंगे। अभी एलसीएम लेंगे तो 100 plus 300 upon 100 हो गया, यहाँ पे 104 upon 100, 105 upon 100। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, इन क्वांटिटीज को दूसरी साइड ले जाएंगे, 300 जो है ये दूसरी साइड लेके जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, और 103, 104, 105 ये नीचे चले जाएंगे। अब देखिए कॉमन सेंस की बात है, कभी भी आप किसी कंपटीशन में अगर बैठ रहे हैं तो जो भी नंबर्स दिए जाएंगे ये मान के चलिए कि पूरे पूरे डिवाइड होंगे, आपको कभी भी कंपटीशन में ज़्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। देखने में टिपिकल लगेगा मगर ये कैंसिल हो जाएगा जो नंबर दिए हुए। अब यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल्स हैं, ये कंपाउंड वैल्यूज हैं, लेकिन ये
ये कंपोजिट नंबर्स हैं और ये प्राइम नंबर, तो 103 चूंकि प्राइम नंबर है तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए अगर प्राइम नंबर है इससे ये नंबर पूरा पूरा जरूर डिवाइड होगा, इसीलिए मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया। तो हमेशा आप ये मान के चले कि ऐसे अगर कोई बड़ा नंबर आ जाता है वो प्राइम नंबर है तो इससे जो दूसरी क्वांटिटी ऊपर या नीचे जो भी है वो जरूर कैंसिल पूरी पूरी हो जाएगी। वही ये यहाँ डिवाइड करके मैंने दिखाया है, तो 103 से जब डिवाइड करेंगे 4 का 412, यहाँ पर रिमाइंडर 37 आया, 9 को हमने ये नीचे ले लिया, तो 379 में 3 टाइम्स जाएगा तो 309 आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 70 आ गया, ये 0 को यहाँ ले लिया। अब 700 में 7 टाइम तो नहीं जा सकता, 6 टाइम जाएगा, तो 6 3 18, 6 6 82 रिमाइंडर आया। अब लास्ट में स्कोर उतार दिया, देखिए 8 3 24, 8 1 8, तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये नंबर आ गया 43.68। अब ये नंबर जैसा कि देखने से ही जाहिर है कि लास्ट में 8 आ रहा है तो 8 से डिवाइड होने के पूरे चांसेस। वैसे भी इसका शॉर्टकट यह है कि लास्ट 3 डिजिट जो है अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। तो मैंने ये शॉर्टकट्स जो आपको बताए थे मैथ के, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 का यह है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो अगर लास्ट 3 डिजिट यानी यूनिट 10th 100 ये मिलके जो नंबर बनता है ये अगर 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 368 चूंकि 8 से डिविजिबल है इसलिए पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो 8 से हमने इसको उठाकर सीधा डिवाइड कर दिया, सॉरी पहले 13 से किया है। तो देखिए 13 8 104 होता है, तो 13 से डिवाइड किया 13 3 39, अब यहाँ पे 4 बचा 4 6 46, तो फिर 3 टाइम जाएगा 39, फिर बचेगा 7 7 8 78 13 6 78, तो 336 जो है ये भी 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 8 4 32 8 2 60, तो 0.42 और 300 थे, इनसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, देखिए इसका पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा यानी 42 बन जाएगा। 42 लिखिए, 4 0 और आगे लगा दिए, ये नंबर आ गया आपके पास। इसको अब हमारे पास खाली 105 बचा था, इससे हम डिवाइड कर देंगे 105 फोर दा, तो वैसे ही नजर आ रहा है कि 420 होगा, तो 105 फोर दा 420, बचे 30 तो ही आ गए, देयरफॉर प्रिंसिपल इज 4000। देखिए ओरल कैलकुलेशन जितना आपका स्ट्रांग होगा आप कंडीशन में उतना ही आराम से कर पाएंगे, इस तरह की कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आते हैं इसमें, तो फिर भी थोड़ा कैलकुलेशन है, एक आप बीच में इस तरह का डाल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे आएंगे कि अगर आप फार्मूले जानते हैं ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक मिनट के अंदर आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे, और कोई भी कंडीशन हो उसमें टाइम इतना नहीं होता, आपके पास हार्डली 1-1.5 मिनट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो याद रखिए कि आपको एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी दिखाना है, स्पीड नहीं दिखाएंगे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैथ में खाली आना जरूर नहीं है बल्कि स्पीड भी होना जरूरी है, और स्पीड तभी आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो हमें टेबल्स ओरल याद होना चाहिए, आजकल टीचर्स कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 10th तक टेबल याद कर लीजिए बाकी लिख के देख लीजिए, मेरे हिसाब से गलत है। मैक्सिमम जहां तक आप ओरल टेबल्स याद कर सकते हैं याद कीजिए, नहीं भी अगर याद करते हैं तो दिमाग में आपको आइडिया होना चाहिए कि टेबल कैलकुलेट करने के लिए दिमाग में कैसे करें, क्योंकि टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कैलकुलेशन के लिए, डिवीजन हो मल्टीप्लीकेशन हो हर जगह टेबल की जरूरत होती है। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस में
जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, इनमें इस तरह के बड़े बड़े कैलकुलेशन आते हैं। वहाँ पे अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और कंप्लीशन में टाइम नहीं होगा। तो कैलकुलेशन सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टाइम मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने परफेक्ट होंगे, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता। इसके लिए लोग कहते हैं करते की विद्या, करने से आती है। आप बहुत सी किताबें पढ़ लीजिए, छोटे क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी तो सर ने क्लास में करा दी, आरडी शर्मा से या आरएस अग्रवाल से बैठ के खाली पढ़ लेते हैं। वो समझते हैं उनको ये क्वेश्चन भी आ गए ना, वो नहीं आए। आज आपको देख के बड़ा आसान लग रहा है, आप सोचेंगे ये तो याद हो गया, नहीं याद होगा। मैथ करते की विद्या है, अपने हाथ से करके जब तक नहीं देखेंगे नहीं आएगा, नहीं याद होगा। तो जस्ट रिमेंबर, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 एट 15% पर एनम फॉर 2 year 4 months कंपाउंडेड एनुअल। तो देखिए यहाँ पे जो नई चीज है वो 2 year and 4 months, इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आपको पी दिया हुआ है 2000 है, रेट दिया हुआ है 15% है और ये पर एनम है और ये मंथ में है, तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए 2 year 4 month है, तो 4 month को 4/12 year में convert करते हैं, 12 से divide कर देंगे year बन जाएगा, so 4/12 is equal to 1/3 year। तो जाहिर है कि ये एक साल का rate है जो 15% दिया है, तो 1/3 year का कितना होगा, 1/3 से rate को multiply कर देंगे। तो जैसे last question में किया था इसको 3 parts में कर दीजिए, ये एक साल, दूसरा साल, तीसरा साल पार्ट। तो यहां पे जो लगाएंगे फर्स्ट ईयर में वो 15%, सेकंड में 15%, थर्ड पार्ट है 1/3 ऑफ द ईयर है तो 1/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 4 महीने का क्या रेट होगा वो आ जाएगा। उनके जो थर्ड है वो खाली मंथ्स है, यानी 1/3 year। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए जो अमाउंट का फार्मूला था उसमें प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया है इन सब में, तो ये 115/100 हो गया, ये 115/100 और ये 105/100, क्योंकि यहाँ 3 से 15 को डिवाइड कर दिया 5 आ गया, तो 100+5 105 हो गया। अब यहाँ पे 3 0 थे, 2 ये 100 से कैंसिल हो गए, 1 यहाँ पे और कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 5 से इन दोनों को डिवाइड किया, 5 to the 10 5 3 the 15, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे 100 जो था इसको पहले 5 से डिवाइड किया, इधर 5 से डिवाइड किया, 23 आ गया। तो अब 20 में फिर 5 से डिवाइड किया, 5 4 the 20 एंड 5 2 the 10 5 1 the 5, तो नीचे रह गया खाली 4 और ये 3 फिगर रह गई 23 23 एंड 21। तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 529 आ जाएगा इनटू 21, 4 ये नीचे था, इससे अब 529 को डिवाइड कर दिया, 132.25 आ गया, 21 से इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इसमें से 2000 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो है ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरह के केस में जहां पे पूरे साल का नहीं होगा, मंथ्स में होगा, तो मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए,
और जो ईयरली रेट है उससे वो जो फ्रैक्शन आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे यहाँ पे 4 months का 1/3 ईयर आ गया तो 1/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यही मेथड है जब पार्शियल आपका ईयर जो है वो दिया हो, 4 months पार्ट ऑफ द ईयर है यानी पार्शियल ईयर हो गया। इसी तरह अगर 3 months होता तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते, हाफ ईयर होता तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, इस तरह से आप कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन 4, इन दिस क्वेश्चन देयर आज ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड नंबर ऑफ इयर्स। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, निकालेंगे कैसे। बच्चों के दिमाग में इस तरह का फौरन आता है कि इसमें उधर 4 years दिए हैं, इधर 8 times दिया है, यहाँ डबल दे दिया, ना रेट दिया है, ना टाइम दिया है, ना अमाउंट दिया है, ना प्रिंसिपल दिया है, इसमें कैलकुलेट कैसे करें। जो दिया उसको लेके चलिए। यहाँ पे कह रहे हैं सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, तो अगर वो पी था तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, यानी अमाउंट की जगह 2p रख देंगे। रेट नहीं दिया मत देने दीजिए, आर ही रखा रहने दीजिए। ईयर्स 4 दिए हैं वो रख दिया, तो हमारा इक्वेशन ये बन गया। अब इसमें पी से पी कैंसिल हो जाएगा, सो 2 = 1 + r / 100 to the power 4। अब सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहेगा। कहते हैं अगर ये 8 गुना हो जाता है तो कितने साल में, तो यहां पे अमाउंट की जगह 8p रख दिया, फिर वही p से p कैंसिल हो गया, सो 8 = 1 + r / 100 to the power 10। हमने ये कैलकुलेट कर लिया था 1 + r / 100 to the power 4 = 2, इसका यूज करेंगे अब हम आगे। तो देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, क्योंकि यहाँ पे 2 बेस पे आया था तो इसको 2 बेस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि 2 × 2 × 2 = 8, सो 2 to the power 3 = 8, तो this is equal to 1 + r / 100 to the power 9। और अब इस 2 की जगह ये रिप्लेस कर देंगे 1 + r / 100 to the power 4 एंड 4 to the power 3। इस तरह के केस में इन पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 × 3 = 12, तो 1 + r / 100 to the power 12 = 1 + r / 100 to the power 10। जब बेस सेम हो दोनों साइड में इक्वल टू के, तो पावर्स आपस में इक्वल होगी। देयरफॉर t = 12, यानी 12 साल में सेम अमाउंट जो है 8 गुना हो जाएगा। सिंपल, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ा, इजी था। ऐसे के क्वेश्चन से देख के डरना नहीं चाहिए, जिसमें फिगर ज्यादा न दी हो उसका कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। बस आपको क्वेश्चन समझना होता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और कैसे स्टार्ट करेंगे। सो डोंट गेट पैनिक, स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। What will be the difference between the simple interest and compound interest on the sum of ₹4,80,000 for 2 years at the rate of 2% per annum? तो यहाँ पे सेम प्रिंसिपल पे 2 साल के लिए 2% पे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मालूम करना। तो दोनों के फार्मूले लगा दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसमें प्रिंसिपल दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो इसमें हमने वैल्यूज ये रख दी।
देखिए 1 + 2 upon 100 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a plus b whole square का फार्मूला लगा दीजिए, a square plus b square plus 2ab, उससे ये आ जाएगा 1 plus 4 upon 10,000 plus 4 upon 100 minus 1, ये वाला आ गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसका LCM लेंगे 10,000 आ जाएगा, तो यहाँ 4 ही आएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, तो 400, 4, यहाँ 4 जीरो थे, इधर भी 4 जीरो, इससे कैंसिल हो गए, तो 48 into 400, 4, और इधर ये दो जीरो इन दो जीरो से कैंसिल हो गए, 2 टू द 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जीरो यहाँ गया, 48 द 32, तो दो जीरो देखिए पहले हमने रख दिए, इसके बाद 48 द 32, 3 कैरी हो गया, 4 फोर द 16 और 3 19, तो अब इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 19392 आ गया, इसमें से 19,200 माइनस कर दिया तो रुपीज 192, ये दोनों का डिफरेंस है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया, उनका डिफरेंस निकाल दिया। तो क्वेश्चन 6, इन दिस क्वेश्चन देयर आर इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम For 2 years at 5% per annum is rupees 200, then what will be the compound interest? तो यहाँ पे basically हमें principal नहीं मालूम है। तो कहते हैं कोई भी principal है उस पे 2 साल का 5% के हिसाब से simple interest 200 रुपए है। तो इस पे compound interest कितना होगा? तो पहले हमने SI is equal to होता है PRT upon 100, इससे अगर हमें P सीधा निकालना है तो ये हो जाएगा SI into 100 upon RT, तो इस फार्मूले में SI, R और T रख के हमने P निकाल दिया, तो यहाँ पे SI 200 दिया था, R 5 दिया था, टाइम 2 दिया था, तो देखिए 5 से 200 को डिवाइड किया हमने तो 5 4 20 और 2 से 40 को डिवाइड किया 20 आ गया, 20 200 2000, ये प्रिंसिपल आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं, सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फार्मूला लगा दिया हम, वो होता है p into 1 plus r upon 100 to the power time minus p, और अगर p कॉमन ले देते हैं तो यहाँ पे 1 रह जाता है, तो p into 1 plus r upon 100 to the power time minus 1, इसमें हमने ये वैल्यूज रख दी, 2000 हमारा प्रिंसिपल आ गया, रेट 5 है, तो 1 plus 5 upon 100 into 1 plus 5 upon 100 इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 plus 25 upon 100 plus 10 upon 100 आ गया minus 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इन दोनों को ये सिंपलीफाई कर दिया, यहाँ LCM 10,000 हो जाएगा, 25 as it is आ जाएगा, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 100 से इसको डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 into 10 1000, so 1025 दोनों का सम आ गया, यहाँ इसमें 4 जीरो हो जाएं, यहाँ 3 जीरो हैं, 3 कैंसिल हो जाएंगे, एक रह जाएगा 2 5 10, अब 5 से इसको डिवाइड किया, 5 to the 10, 2 में डिवाइड नहीं होगा, 0 लेंगे, 5 5 the 25, so rupees 205. This is the compound interest for 2000 rupees at the rate of 5% for 2 years. तो मैं समझता हूँ सारे टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन देखिए इसके अलावा भी मैं बराबर लेक्चर्स अपने अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे, मेरी कोशिश यही है कि जो कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं उस सब टाइप के क्वेश्चन में आपके सामने ज़रूर डाल दूँ, जहाँ पे फार्मूले टिपिकल हैं उनके डेरिवेशंस भी मैं करके दिखा देता हूँ, ताकि फार्मूला आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, और जितने वैरायटी के क्वेश्चन होना चाहिए वो हर टाइप का वैरायटी का कम से कम एक क्वेश्चन में ज़रूर ले लेता हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी थी जिनमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए हैं जहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बाद भी अगर कभी भी आपको लगता है
कि अभी और क्वेरीज हैं, आपकी प्रॉब्लम बचती हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी द सोल्यूशन ऑफ दोज क्वेश्चंस और दोज प्रॉब्लम्स फॉर विच यू वांट टू आस्क मी। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस पे भी पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप नंबर सब नेट पे मौजूद है। सेंट पीटर्स कोचिंग अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख के मेरा यूट्यूब चैनल भी वहाँ लिंक मौजूद है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम्स आप पूछेंगे भी उसके भी मेरे बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं, सो डोंट हेसिटेट, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।